हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गोभी के पराठे बनाना। तो आइए बनाते हैं गोभी के। गोभी के पराठे बनाने के लिए ये हमने गोभी का एक फूल लिया था। गोभी को हमने अच्छे से धो लिया और इसको कद्दूकस कर लिया है। गोभी को सबसे पहले हम गोभी को ये कपड़ा लिया है हमने, और इस कपड़े के अंदर हम गोभी को डाल देंगे। और इस गोभी का हम पानी निचोड़ लेंगे। और ये मैंने गोभी को अच्छे से निचोड़ लिया है, और इसका पानी देखो कितना सारा निकला है। ये एक गोभी के फूल में से इतना पानी निकला है। और अब मैं गोभी को इस बाउल के अंदर ही निकाल लूंगी। ये देखो कितने अच्छे से पानी निकल चुका है हमारी गोभी का। इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ, और सबसे पहले मैं आटा गूंद कर तैयार कर लूंगी। ये मैंने आटा लिया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दूंगी। ये छोटे वाला स्पून है, और आटा गूंद कर तैयार करूंगी। आटा हमें बिल्कुल जिस प्रकार से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं उसी प्रकार से हमें गूंद कर तैयार करना है आटे को। और ये हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इस आटे को मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है तब तक हम पराठे के मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मैं इस गोभी के अंदर ये मैंने 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और नमक अपने स्वाद अनुसार लिया है मैंने। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। और 1/4 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, और ये मैंने 1 अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है। इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं चुटकी भर हींग डालूंगी। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है गोभी के पराठे में। और इस मसाले को फिर से अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमारा गोभी का मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ। इधर हमारा आटा बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है, और इसे मैं एक बार हाथ से मसल लूंगी। ये मैंने ऑयल लिया है, और अब मैं आटे में से एक लोई बनाऊंगी। हम थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करेंगे, और गोभी हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे भरने के लिए इसमें। अब मैं ये सूखा आटा है ये लगाऊंगी, और एक रोटी बेलकर तैयार करूंगी। अब मैं इस रोटी के अंदर गोभी का मसाला भरूंगी। अगर आपके गोभी के पराठे फटते हैं तो आप इस गोभी के पेस्ट के अंदर 2 चम्मच बेसन भून के भी डाल सकते हैं, उससे ये गोभी का मसाला पानी नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार से हम इसे बंद कर देंगे, और इसे फिर मैं सूखे आटे में अच्छे से लगा लूंगी। और इस प्रकार से मैं इसे थोड़ा सा पेड़ा रोल कर लूंगी। अब मैं इसे बेल लूंगी। इधर मैंने तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है,
और ये हमारा पराठा बिलकर तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे तवे पे डाल दूंगी और इसे सिकने दूंगी। जब तक ये हमारा पराठा सिकता है तब तक मैं दूसरे पराठे की भी तैयारी कर लेती हूँ और इस पराठे को भी मैं उसी प्रकार से भरकर तैयार कर लूंगी। मैंने इसमें गोभी का पेस्ट ज्यादा डाला है। और ये पराठे बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको पराठे की रेसिपी बताई है। और ये पराठा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और इसे अच्छे से सेक लूंगी मैं पराठे को। देखो कितने अच्छे से हमारा पराठा सिककर तैयार हुआ है। ये हमारा पराठा अच्छे से बढ़िया तरह से सिककर तैयार हो चुका है। इस पराठे को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी प्रकार से मैं दूसरा पराठा भी डाल दूंगी और इसे भी मैं इसी प्रकार से सेक के तैयार कर लूंगी पराठे को। और इस पराठे की भी मैं साइड चेंज कर दूंगी और इस पे भी मैं ऑयल लगा लूंगी। ये पराठा भी हमारा सिककर तैयार हो चुका है। इसे भी प्लेट में निकाल लूंगी। और ये हमारे गोभी के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे बटर के साथ सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।